भारतीय समयानुसार शाम को पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे और यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी ने कहा कि मेरा स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इसके अलावा उन्होंने कहा बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुले हैं। अटलांटिक महासागर में डूबे जहाज टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने पनडुब्बी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। इसके साथ ही ऐसी आशंका जताई जा रही कि पनडुब्बी का ऑक्सीजन अब पूरी तरह खत्म हो गया है। ऐसे में पनडुब्बी में सवार किसी के भी जिंदा रहने की कोई उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गुरुवार 22 जून को तेज चमक के साथ आसमानी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। आसमानी बिजली गिरने की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि सोनभद्र में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है और इस घटना में चौपन थाना क्षेत्र के प्रीत नगर में दो और सिंदूरियों में 2 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक के कोपल जिले में एक झुग्गी में रहने वाले 90 वर्षीय महिला को तकनीकी खराबी के कारण 1,00,000 रुपए का बिजली का बिल मिला है। महिला अपने बेटे के साथ रहती है जो एक दिहाड़ी मजदूर है और उसकी झुग्गी में कथित तौर पर केवल 2 बल्ब है। इससे पहले महिला को हर महीने 70 से 80 रुपए का बिल मिलता था। यूपी के फरुखाबाद के एक सरकारी अस्पताल में टॉर्च की रोशनी से एक महिला की डिलीवरी कराए जाने का वीडियो सामने आने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया है। पाठक के अनुसार अस्पताल के अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उसका वेतन रोका गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल के इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो गई थी। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ के साथ।